फाइनली हम पहुंच चुके हैं चांद पर। चंद्रयान 3 मून की सरफेस पर सक्सेसफुली लैंड कर चुका है और इसी के साथ हम रशिया, अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया के ऐसे चौथे देश बन चुके हैं जिन्होंने जमीन से चांद का सफर तय कर लिया है। लेकिन भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करी है। अब ये साउथ पोल की क्या कहानी है ये हम आपको भी आगे बताएंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पूरे मिशन चंद्रयान 3 का जो क्रेडिट है वो जाता है हमारे इन महान वैज्ञानिकों को जिन्होंने लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद 615 करोड़ जैसे लो बजट के साथ मिशन मून को अंजाम दे दिया। ऐसे में सारा का सारा क्रेडिट इन्हीं साइंटिस्ट को जाता है। हालांकि आजकल कुछ ऐसे लोग हैं जो हर अच्छी चीज का क्रेडिट खुद कहा जाते हैं हर मामले में। चंद्रयान 3 भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट मिशन है इसे आप तब तक शायद ना समझ पाए जब तक आप चांद पर हुए अब तक के मिशन के बारे में नहीं जानते। इसलिए पहले बात करते हैं चांद पर अब तक होने वाले मिशन के बारे में। चांद जिसे हम हर रोज जमीन से आसमान की तरफ चमकते हुए देखते हैं जो कि जमीन से 384,400 किलोमीटर दूर है, ऐसे में जमीन से चांद पर जाना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन हमारे महान वैज्ञानिकों ने इसे पॉसिबल करके दिखा दिया जिसमें चांद पर अब तक 146 मिशन किए गए जो कि कई अलग अलग टाइप के थे। इसे समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, इससे आप चंद्रयान 3 की इंपॉर्टेंस को अच्छे से समझ पाओगे। नंबर 1, फ्लाई बाई। इसमें जो सैटेलाइट अर्थ से लॉन्च करी जाती है वो बस चांद के करीब से होकर गुजर जाती है जो कि कई अलग अलग पर्पस के लिए लॉन्च किए जाते हैं जिसमें एक है चांद की इमेज कैप्चर करना। नंबर 2, ऑर्बिट। इसमें लॉन्च सैटेलाइट को मून के ऑर्बिट में भेजा जाता है जो कि चांद का चक्कर लगाता रहता है और दूर से ही मून के सरफेस को ऑब्जर्व करता है। नंबर 3, इंपैक्ट। इस टाइप के मिशन में सैटेलाइट को डायरेक्ट मून के सरफेस से टक्कर करा दी जाती है, मतलब बस लेकर गए और ठोक दिया। इसे स्पेस साइंस की लैंग्वेज में हार्ड लैंडिंग कहा जाता है। नंबर 4, लैंडर। इसमें एक ऑब्जेक्ट को सेफली मून के सरफेस पर लैंड करा दिया जाता है जो कि चांद पर उतरकर अपने मिशन के हिसाब से काम करता है। और जब कोई ऑब्जेक्ट मून के सरफेस पर बगैर किसी नुकसान के लैंड कर जाता है तो उसे सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं, मतलब अगर मून की सरफेस से टकरा कर ऑब्जेक्ट क्रैश हुआ तो हार्ड लैंडिंग और अगर बगैर किसी नुकसान के लैंड हुआ तो सॉफ्ट लैंडिंग। नंबर 5, रोवर। इस टाइप के मिशन में जो लैंडर होता है उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट होता है जिसे रोवर कहा जाता है जो कि लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद उससे बाहर निकलता है और मून के सरफेस पर चलकर अपने मिशन को अंजाम देता है, जैसा कि अभी चंद्रयान 3 के केस में देखा गया। आगे हम इसकी बात करेंगे। नंबर 6, रिटर्न। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, लॉन्च सैटेलाइट अपने मिशन को पहले पूरा करती है और वापस से जमीन पर लौट आती है। नंबर 7, क्रू लैंडिंग। इस टाइप के मिशन में एक स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाता है जिसमें इंसान होते हैं, वो चांद पर जाते हैं, चांद पर उतरते हैं, चलते हैं और वापस से जमीन पर लौट आते हैं। चांद की तरफ अब तक जो भी मिशन किए गए उसमें यही 7 टाइप के मिशन शामिल है, ये आप याद रखना। अब जानते हैं मून मिशन के बारे में। एक टाइम पीरियड था जब मून मिशन का ट्रेंड चल रहा था, हर डेवलप्ड कंट्री चांद पर अपने झंडे लहराना चाहती थी। ट्रेंड कितना ज्यादा था इस बात को आप इस चार्ट से समझ सकते हो, जहां 1950 के दशक में 13 मून मिशन लॉन्च किए गए थे, 1960 के दशक में 63, 1970 के दशक में 23, 1980 के दशक में 0, एक भी मून मिशन लॉन्च नहीं हुए थे। लेकिन 1990 के दशक में एक बार फिर से वापस से ट्रेंड शुरू होता है और 7 मिशन लॉन्च होते हैं, 2000 के दशक में 9, 2010 के दशक में 12 और अब आता है 2020 डिकेड जिसमें अभी 6 साल बचे हुए हैं और अब तक 19 लॉन्चेस हो भी चुके हैं। सबसे पहले 1960 के दशक में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच स्पेस रेस की शुरुआत होती है और चांद पर मिशन भेजा जाता है और रूस दुनिया का पहला देश बनता है जिसका मिशन लूना 9 3 फरवरी 1966 को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है। हालांकि इससे पहले रूस ने साल 1959 में लूना 1, लूना 2, लूना 3 जैसे मिशन किए थे। साल 1966 में लूना 9, लूना 10, साल 1970 में लूना 16, लूना 17, साल 1972 में लूना 20, साल 1976 में लूना 24। जहां एक तरफ रशिया एक के बाद एक मिशन मून को अंजाम दे रहा था तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका लगा हुआ था। 1960 के दशक में ही 1961 से लेकर 1965 तक यानी 5 साल के अंदर अमेरिका मिशन रेंजर के नाम से 9 बार चांद की तरफ जाने की कोशिश करता है, इसमें रेंजर 1, 2, 3, 4, 5
फेल हो जाता है। रेंजर 6 लगभग सक्सेस होने ही वाला होता है, लेकिन उसके कैमरे में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। हालांकि रेंजर 7, 8, 9 मिशन सक्सेस हो जाता है। अब टाइम आता है 1966 से 1968 का। अमेरिका एक नए मिशन की शुरुआत करता है जिसे नाम देता है सर्वेयर, और इस नाम से अमेरिका 7 मिशन करता है, सर्वेयर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, जिसमें सर्वेयर 1, 3, 5, 6, 7 सक्सेसफुली अपने मिशन को पूरा करता है, जबकि सर्वेयर 2 एंड 4 फेल हो जाता है। और इसी सर्वेयर मिशन में 2 जून 1966 को पहली बार अमेरिका का सर्वेयर 1 चांद के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है, और उसके बाद अमेरिका चांद पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का दूसरा देश बनता है। लेकिन अमेरिका का मिशन मून यही कंप्लीट नहीं होता, बल्कि अब वो एक और नए मिशन की शुरुआत करता है जिसे नाम देता है अपोलो। साल 1968 से लेकर 1972 के बीच अपोलो के नाम से कई मिशन मून की तरफ भेजे जाते हैं, जिसमें 20 जुलाई 1969 ये वो डेट होती है जब अपोलो 11 मून पर लैंड करता है, और इसी अपोलो 11 में होते हैं दो इंसान, नील आर्मस्ट्रांग एंड बज ऑल्ड्रिन, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग दुनिया के पहले ऐसे इंसान बनते हैं जिन्होंने चांद पर कदम रखा, और अमेरिका दुनिया का पहला ऐसा देश बनता है जिसने इंसान को चांद तक पहुंचाया। इस तरह अमेरिका और सोवियत यूनियन स्पेस में अपनी धाक जमाने के लिए लगे रहे, और 1960 के दशक में ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली, जिसमें सोवियत यूनियन मून मिशन को 7 टाइप में 6 को अचीव कर पाता है, जबकि यूएसए 7 के 7 टाइप में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ता है। लेकिन दुनिया की दो सुपर पावर की स्पेस रेस में अब एंट्री होती है जापान की, और जापान दुनिया का तीसरा देश बनता है जो ऑर्बिट टाइम मिशन को सक्सेसफुली अचीव करता है लेकिन लैंड नहीं कर पाता। अब इस लिस्ट में एक नाम और ऐड होता है, और वो है चाइना। साल 2007 में चाइना अपना पहला मून मिशन लॉन्च करता है जिसे नाम देता है चांग ई। इस नाम से चाइना ने अब तक 5 मून मिशन लॉन्च किए, चांग ई 1, 2, 3, 4, 5, जिसमें चाइना का चांग ई 4 3 जनवरी 2019 को चांद पर सक्सेसफुली लैंड करता है, और चाइना मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला तीसरा देश बन जाता है, जबकि ऑर्बिट में एंटर करने वाला जापान के बाद चौथा देश, जबकि रिटर्न टाइप में भी तीसरे नंबर पे। और सबसे अहम चीज ये कि आज तक चाइना का कोई भी मिशन फेल नहीं हुआ, सक्सेस रेट 100% है, जबकि अमेरिका का 60% और रशिया का सिर्फ 34.1%। लेकिन अब नाम आता है हमारे प्यारे देश भारत का, जो लगातार स्पेस की दुनिया में एक के बाद एक कारनामे को अंजाम दे रहा। जहां एक तरफ हाई डेवलप्ड कंट्री स्पेस रेस में है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया लिमिटेड रिसोर्सेज और लो बजट के साथ उन्हें बराबर की टक्कर दे रहा। साल 2008 में इंडिया अपना पहला मून मिशन लॉन्च करता है जिसे नाम दिया जाता है चंद्रयान, जो अपने पहले अटेम्प्ट में ही कामयाब होता है। 18 सितंबर 2008 को चंद्रयान 2 मिशन को अप्रूवल मिलता है, लेकिन इसे जनवरी 2013 तक पोस्टपोन कर दिया जाता है। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया जाता है, जिसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर 3 सेक्शन होते हैं। 20 अगस्त 2019 को ऑर्बिटर को मून के ऑर्बिट में सक्सेसफुली पहुंचा दिया जाता है, लेकिन 6 सितंबर 2019 को चंद्रयान 2 के लैंडर की हार्ड लैंडिंग हो जाती है और मिशन मून फेल हो जाता है। Communication from lander to ground station was lost. लेकिन इसरो हार नहीं मानती, और नवंबर 2019 में ही चंद्रयान 3 प्लान किया जाता है। चंद्रयान 2 की गलतियों से सीख ली जाती है, और 14 जुलाई 2013 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया जाता है, एंड फाइनली 23 अगस्त 2013 को इंडिया का चंद्रयान 3 मून के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है, और उसमें मौजूद रोवर चांद की सरफेस पर चलना शुरू कर देता है, और इंडिया चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बनता है, और चांद पर रोवर भेजने वाला भी दुनिया का चौथा देश बनता है। लेकिन इंडिया चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बनता है। हालांकि इस नंबर वन वाले रेस में रशिया इंडिया से पहले पहुंचने के चक्कर में, और वो भी आनन फानन में, मून मिशन लूना 25 लॉन्च करता है ताकि इंडिया से पहले वो मून के साउथ पोल पर लैंड करे। लेकिन 19 अगस्त 2013 को लूना 25 की हार्ड लैंडिंग हो जाती है और वो क्रैश कर जाता है, जिसके साथ साथ रशिया का नंबर वन वाला सपना भी क्रैश कर जाता है। अब ये मून का साउथ पोल क्या है? ये है मून का वो फेस जिसे आप जमीन से देख पाते हो। ये पूरी तरह विजिबल होता है, इस पर सनलाइट भी आती है, लेकिन जैसे जैसे आप मून के इस हिस्से पर आते जाओगे मून की लाइट कम होती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जहां डायरेक्ट सनलाइट पहुंच ही नहीं पाती, और इसे ही कहते हैं
मून का साउथ पोल। साइंटिस्ट का मानना है कि साउथ पोल पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पहुंचती है, ऐसे में वहां पर मौजूद इन गड्ढों में बर्फ के फॉर्म में पानी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज मानी जाती है। ऐसे में साउथ पोल साइंटिस्ट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन इंडिया से पहले आज तक कोई इस लोकेशन पर लैंड ही नहीं कर सका। ये इमेज देखिए, इसमें दिख रहा ब्लू पॉइंट वो लोकेशन है जहां अमेरिका ने लैंड किया, जो रेड पॉइंट्स है वहां पर सोवियत यूनियन की लैंडिंग हुई, येलो पॉइंट्स पर चाइना ने अपना झंडा गाड़ा, और ये जो साउथ पोल पर दो ग्रीन पॉइंट्स हैं, यहां पर इंडिया ने लैंडिंग करी है, जिसमें एक है चंद्रयान 2 का जो कि फेल हो गया था, और एक है चंद्रयान 3 का। ये सक्सेस इंडिया के लिए इतना बड़ा अचीवमेंट है जो हर भारतीय को प्राउड फील देता है, और उन लोगों के लिए एक ऐसा जवाब है जो कहा करते थे इंडिया एक गरीब देश है और वो स्पेस प्रोग्राम अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन इंडिया ने कर दिखाया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर हां तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।